नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा दसवीं की दुर्वा पुस्तक के एकादश पाठ महाभिनिष्क्रमण का वाचन एवं हिंदी अनुवाद को समझेंगे। छात्रों, आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। ये भगवान बुद्ध एक राजघराने में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और ये कपिल वस्तु के रहने वाले थे। पूर्व में इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब इस संसार की दुख की अवस्थाओं को देख करके उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ और उस विचार के फलस्वरूप उन्होंने अपने ग्रह का त्याग कर दिया। एकादश पाठ महाभिनिष्क्रमणम। महाभिनिष्क्रमणम का तात्पर्य है बुद्ध का गृह त्याग। सिद्धार्थ स्वागतम चिंतयन, सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं। हंत, बड़ा दुख है। कियति विडंबना मानव शरीरस्य। कियति कितनी, विडंबना या दुख मानव शरीरस्य, मानव शरीर का, मानव शरीर की कितनी विडंबना है या मानव शरीर का कितना दुख है। वासंतिक यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत किमिदं सर्वं स्थिरम। वसंत ऋतु का यौवन, सुकुमार पुष्प जो मन को हरण करने वाले हैं, ऐसी यह देह रूपी संपदा। किम इदम, क्या यह सब स्थिर है। वसंत ऋतु का यौवन, सुकुमार फूलों के समान मन को हरने वाली यह देह संपदा, क्या यह सब स्थिर है। किम यशोधरायाह यौवनम अचलम, यौवनम अचलम संधि है यहाँ पर, क्या यशोधरा का यौवन स्थिर है। किम जरा व्याधिर मृत्युश्च मदीयाम अंतःपुर परिचारिकाः कदापि न आक्रमिष्यन्ते। किम क्या जरा बुढ़ापा व्याधि रोग मृत्युश्च और मृत्यु मदीयाम मेरे अंतःपुर की परिचारिकाः सेविकाओं को कदापि कभी भी न आक्रमिष्यन्ति, नहीं आक्रमण करेगा। क्या बुढ़ापा रोग और मृत्यु मेरी अंतःपुर की सेविकाओं को कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, अर्थात उनको कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। किम एता न जानन्ति यत् यौवनम चपलम, क्या एता न जानन्ति ये नहीं जानते हैं यत की यौवनम यौवन चपलम चंचल है, क्या ये नहीं जानते हैं कि यौवन चंचल है। जरा रूपम नाशयिष्यति, बुढ़ापा वृद्धावस्था रूप को नष्ट कर देगी। वृद्धावस्था रूप को सुंदरता को नष्ट कर देगी। यशोधरा कुमार किम चिंतयति भवान, यशोधरा कहती है अरे कुमार क्या चिंतयति सोच रहे हो भवान आप। यशोधरा कह रही है अरे कुमार आप क्या सोच रहे हैं। सिद्धार्थ न किमपि यशोधरे, यशोधरा न किमपि कुछ भी नहीं। उद्विग्नम इव मे चेतः उद्विग्नम इव, मेरा मन उद्विग्न सा हो रहा है, मेरा मन विचलित सा हो रहा है। इत एहि अत्रोपविश, अत्र धन उपविश, इत एहि तो आओ, अत्र यहाँ उपविश बैठो, तो यहाँ आओ बैठो। इदम एव द्विलोक्यम आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे यत् वयम् मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्ति मृत्युराक्षसीं जानन्तोपि न शोचामः। इदं धन एव, यही
विलोक्य देखकर आश्चर्यम आश्चर्य का अनुभवामी अनुभव करता हूँ यशोधरा कि हम मनुष्य प्रतिदिनम प्रतिदिन ग्रसंती खाती हुई मृत्यु राक्षसी मृत्यु रूपी राक्षसी को जानन्तः अपि जानते हुए भी न सोचा वह नहीं सोचते हैं। यही यशोधरे यही देखकर आश्चर्य का अनुभव करता हूँ कि हम मनुष्य प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु राक्षसी को जानते हुए भी नहीं विचार करते हैं नहीं सोचते हैं। अद्य न जाने मदीये हृदये कश्चन वक्ति यत् जराम व्याधिम मृत्युम च विजित्येव मनुष्यस्य यौवनम विलासस्य शोभते। अद्य आज न जाने मदीये मेरे हृदये हृदय में कश्चन कोई भक्ति कह रहा है यत् कि जराम बुढ़ापा वृद्धावस्था रोग और मृत्यु विजित्येव को जीत कर ही मनुष्यस्य मनुष्य का यौवन विलासस्य और विलास शोभते शोभित होता है। आज न जाने मेरे हृदय में कोई कह रहा है कि वृद्धावस्था रोग और मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य का यौवन और विलास शोभित होते हैं। नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजयामि न चतुष्यामि क्रीडोद्यान द्रुमेहि प्रेक्षागृह प्रंजरेहि स्नानगृह निर्जरेहि। नृत्य संगीत वादित्रेषु वाद्य यंत्रों में ना अनुरंजयामि मुझे प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। नृत्य संगीत और वाद्य यंत्र मुझे प्रसन्न नहीं करते हैं। न चतुष्यामि और ना ही प्रसन्न करते हैं क्रीडा उद्यान ध्रुमे ही उद्यान के वृक्षों की क्रीड़ा प्रेक्षाग्रह पंजरे ही नाट्यशाला स्नान ग्रह निर्जरे ही स्नान ग्रह के झरने। नृत्य संगीत वाद्य यंत्र मुझे प्रसन्न नहीं करते हैं और ना ही उद्यान वृक्ष की क्रीड़ा नाट्यशाला और स्नान ग्रह के झरने ही तुष्यामि संतुष्ट करते हैं प्रसन्न करते हैं। यशोधरा तरही कुमार किम व्यवसीयते भवता। कहा यशोधरा कह रही है तो कुमार किम व्यवसीयते भवता। व्यवसीयते निश्चय किया भवता आपने। आपने क्या निश्चय किया है। सिद्धार्थ इदमेव वांछामि यशोधरे यदधुना परिव्राजको भूत्वा मृत्योर निग्रहाय तपश्चरेयम्। सिद्धार्थ कह रहे हैं इदम एव यही वांछामि इच्छा है यशोधरे हे यशोधरे यही इच्छा है कि अधुना अब परिव्राज को हुत्वा सन्यासी होकर के मृत्यो निग्रहाय मृत्यु का निग्रह करने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए तपश्चरेयम तपस्या करूं। यशोधरा यही इच्छा है कि अब सन्यासी होकर के मृत्यु को जीतने के लिए तपस्या करूं। यशोधरा किमिदं भाषते भवान। यशोधरा कह रही है कि भवान आप किम इदं यह क्या भाषते कह रहे हो आप यह क्या कह रहे हो। परिव्रज्यायाः नायं समयः। परिव्रज्यायाः संन्यास के लिए न अयम संधि न अयम यह समय नहीं है अयम समयः न
यह समय नहीं है, संन्यास के लिए यह समय नहीं है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तु भवान् शाक्यवंशधरस्य कुमार राहुलस्य जनकः संजातो अस्ति। कतिपय कुछ मासेभ्यः मास पूर्वम एव पूर्व ही तू तो भवान आप शाक्य वंशधर के कुमार राहुल के जनक पिता संजातो अस्ति बने हो। कुछ मास पहले ही तो आप शाक्य वंशधर कुमार राहुल के पिता बने हो। आगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार। भवान आगच्छतु आप आओ, अद्य आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। आप आओ आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। अभिनिष्क्रमण संस्कार का तात्पर्य है कि जब बच्चा 4 मास का हो जाता है तब उस बच्चे को पहली बार स्वतंत्र वायु में लाया जाता है, यह अभिनिष्क्रमण संस्कार कहलाता है। सिद्धार्थ न किमपि इच्छामि यशोधरे अध्येव प्रवृज्याये अनुमतिं ग्रहीतुं महाराजस्य सोदमुपसर्पामि। सिद्धार्थ कह रहे हैं यशोधरे यशोधरा न किम अपि इच्छामि, यशोधरा किम अपि कुछ भी इच्छामि न इच्छा नहीं है, यशोधरा कुछ भी इच्छा नहीं है। अद्य एव आज ही प्रवृज्याये संन्यास के लिए अनुमतिम अनुमति ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए प्राप्त करने के लिए महाराजस्य महाराज के सौधम महल में उपसर्पामि जा रहा हूँ। आज ही संन्यास के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए महाराज के महल में जा रहा हूँ। अध्येव प्रवृज्याये अनु आज ही संन्यास के लिए। यशोधरा तारस्वरेण कुत्र प्रयाति कुमारः, कुमार यशोधरा तारस्वरेण ऊंचे स्वर में ऊंची आवाज में कुत्र कहाँ प्रयाति जा रहे हो, कुमारः कुमार कहाँ जा रहे हो, कुमार कुमार। दृश्य परिवर्तनम सिद्धार्थः आर्य अभिवादये, दृश्य का परिवर्तन होता है, दूसरा दृश्य आ जाता है और दूसरे दृश्य में सिद्धार्थ जा कह रहे हैं हे आर्य अभिवादये अभिवादन करता हूँ। शुद्धोदन सिद्धार्थ शाक्य वंशधरो भव, शुद्धोदन कह रहे हैं हे सिद्धार्थ शाक्य वंशधारी हो। सिद्धार्थ आर्य अद्य एकाम अनुज्ञाम ग्रहीतुम समुपस्थितोऽस्मि, अद्य हे आर्य अद्य आज एकाम अनुज्ञाम एक आज्ञा को ग्रहीतुम प्राप्त करने के लिए समुपस्थितोऽस्मि उपस्थित हुआ हूँ। हे आर्य आज एक आज्ञा प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हे आर्य आज एक आज्ञा प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि मैं जानता हूँ कि यत आजन्म इस जन्म में इस जन्म भर महाराजस्य महाराज का मह्यम मेरे लिए किम अभी अदेयम कुछ भी अदेय नास्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस जन्म में महाराज का मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। शुद्धोदन निशंकम ब्रूहि सिद्धार्थ, निशंकम निसंकोच बिना संदेह के ब्रूहि कहो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बिना संदेह के कहो। मम प्राणापि तदधीनाः कुमार, कहा कि मम प्राणा मेरे प्राण अपि भी त्वत तुम्हारे अधीनाः अधीन है कुमार, हे कुमार मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है। सिद्धार्थ महाराज सुबहु मया विचारितम प्रजानाम लोकयात्रार्थम, कहा
प्रजा नाम लोक यात्रार्थम, प्रजा के कल्याण के लिए मया मेरे द्वारा सुबहु विचारितम, बहुत प्रकार से विचार किया, बहुत प्रकार से चिंतन किया। अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहाय तपः चिकीर्षामि प्रव्रज्याये अनुज्ञातुम अर्हति माम महाराजः। अधुना अब शोक मृत्यु भयानाम, शोक और मृत्यु के भय को निग्रहाय रोकने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए तपश्चिकीर्षामि, तप करने की इच्छा है। प्रव्रज्याये संन्यास के लिए अनुज्ञातुम अर्हति माम महाराज, इसलिए महाराज माम मुझको अनुज्ञातुम अर्हति, आज्ञा प्रदान कीजिए। अब शोक और मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए तप करने की इच्छा है, इसलिए महाराज मुझको संन्यास के लिए आज्ञा प्रदान करिए। कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम आश्चर्यम इति ध्वनयश्च, कोलाहल बढ़ता है, आश्चर्य आश्चर्य इस प्रकार की ध्वनि होती है। शुद्धोदन शुद्धोदन, कुमार सिद्धार्थ, अरे कुमार सिद्धार्थ, किम इदम व्यवसितम त्वया, किम इदम व्यवसितम त्वया, क्या यह तुम्हारे द्वारा निश्चय किया गया है, यह तुम्हारे द्वारा क्या निश्चय किया गया है। नहीं कालस्ते प्रव्रज्यायाम ग्रहीतुम, कालहते तुम्हारे लिए, कालह समय प्रव्रज्याम संन्यास ग्रहण करने के लिए न नहीं है, यह समय तुम्हारे लिए संन्यास ग्रहण करने का नहीं है। प्रथमे वयसी चलायाम मतो धर्मचर्या बहु दोषाः भवन्ति, प्रथमे वयस उम्र के प्रथम चरण में अर्थात बाल्यकाल में चलायाम मतो चंचल बुद्धि में धर्मचर्या धर्म का आचरण बहु दोषाः भवति, बहुत दोष होते हैं। बाल्यकाल में चंचल मति में धर्म की चर्या धर्म का आचरण करने में बहुत दोष होते हैं। मया ही तव कुतूहलार्थम क्रीडोध्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुदपस्थापिता, मया ही क्योंकि मया मेरे द्वारा तव तुम्हारे लिए कुतूहलार्थम कुतूहल के लिए क्रीडोध्याने उद्यान क्रीड़ा में या क्रीड़ा के उद्यान में सर्वापि सभी विनोद सामग्री आनंद की सामग्रियां स्थापित की गई है, मेरे द्वारा तुम्हारे कुतूहल के लिए क्रीड़ा उद्यान में सभी प्रकार की आनंद की सामग्री स्थापित की है। चित्रम मनोज्ञेपि विषये तव रति न जायते, कहा कि तब तुम्हारी मनोज्ञेपि विषये चित्रम रति न जायते, तुम्हारी मनोहारी विषयों में भी विचित्र जो रति है वह उत्पन्न नहीं होती है, मनोहारी विषयों में भी तुम्हारी रति नहीं उत्पन्न हो रही है। सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्युः तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रति ही भवे, हे आर्य वृद्धावस्था व्याधि रोग और मृत्यु यदि न स्युः यदि नहीं होवे तरहि तो मम मेरे मनोज्ञेषु मन में विषयेषु विषयों में रति भवेत् रति हो, हे आर्य बुढ़ापा या वृद्धावस्था रोग और मृत्यु यदि नहीं हो तो मेरे मन में विषयों में रति हो। असंशयम मृत्यु रीति जानतोपि यस्य रदि रागो जायते तस्य चेतना लोहमयीमेव उत्प्रेक्षे,
असंशयम, बिल्कुल भी संशय नहीं है, मृत्यु इति मृत्यु, मृत्यु में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जान तो भी जानते हुए भी यस्य जिसके हृदय हृदय में राग जायते उत्पन्न नहीं होता है, तस्य उसकी चेतना लोहमयम एव लोह के समान ही उत्प्रेक्षे अनुमित होती है। मृत्यु निश्चित है यह जानकर भी जिसके हृदय में राग उत्पन्न होता है उसकी चेतना मेरे अनुमान में लोहे के समान जड़वत है। शुद्धोदन कुमार कस्त्वमिदं बोधितवान, कह त्वाम इदम, कहा हे कुमार त्वाम तुमको इदम यह कह बोधितवान, किसने ज्ञान दिया है कुमार तुमको यह किसने ज्ञान दिया। तवेदम सुकुमारम वयः प्रसन्न सुंदरम च वपुः किं प्रव्रज्याये भगवता सृष्टम, तव इदम तुम्हारा यह सुकुमार वयः सुकुमार आयु प्रसन्न सुंदरम च वपुः और प्रसन्न सुंदर शरीर किम क्या भगवता भगवान ने प्रव्रज्याये संन्यास के लिए सृष्टम बनाया है। तुम्हारा यह सुकुमार आयु तुम्हारी यह सुकुमार आयु प्रसन्न सुंदर शरीर क्या भगवान ने संन्यास के लिए बनाया है। नायं कालस्तव तपोवनाश्रयस्य न अयं कालः, यह समय तब तुम्हारे लिए तपोवनाश्रयस्य न तपोवन का आश्रय लेने का नहीं है, यह समय तुम्हारे लिए तपोवन के आश्रय लेने का नहीं है। गच्छ क्रीडोपवनम, क्रीड़ा उद्यान में जाओ, अनुभव नृत्य वादित्र विनोदम और नृत्य वाद्य यंत्रों के आनंद का अनुभव करो। सिद्धार्थ कथमहम चेतनाम वंचयेयम आर्य, कथम अहम अहम मैं चेतनाम अपनी चेतना को अपनी जागृति को कथम किस प्रकार से वंचयेयम आर्य, हे आर्य मैं अपनी चेतना को किस प्रकार से वंचयेयम रोकूं। यदि भवान में प्रतिभूर भवति यन मम जीवनम मरणाय न सृष्टमस्ति, मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तम स्यात्, मम यौवनम च जरा न कदाप्याक्षिपेत, तर्हि अहम तपोवनम न श्रयिष्ये। यदि भवान में यदि आप मुझे प्रतिभू विश्वस्त भवति करते हो यत कि मम जीवनम मेरा जीवन मरणाय न सृष्टम अस्ति, मरणाय मरने के लिए न सृष्टम नहीं बनाया गया है, यदि आप मुझे विश्वस्त करते हो कि मेरा जीवन मरने के लिए नहीं बनाया गया है। मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तम स्यात्, मेरा शरीर रोगेभ्यः रोग से सर्वदा हमेशा मुक्त है, मेरा शरीर रोग से हमेशा मुक्त है। मम यौवनम च जरा न कदापि आक्षिपे, और मम यौवनम च और मेरे यौवन को वृद्धावस्था कभी भी कदापि कभी भी न आक्षिपेत, नहीं सताएगा उसे कभी भी नष्ट नहीं करेगी। तरही तो अहम मैं तपोवनम तपोवन का न आश्रय नहीं लूंगा, तो मैं तपोवन का आश्रय नहीं लूंगा। सूत्रधारः संसारस्य निहिसारता जनन मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गति सर्वमिदं विचिन्त्य सिद्धार्थो व्यरंजयत लोकयात्रातः। संसारस्य संसार की निसारता जन्म मरण चक्र का बंधन मनुष्य की गति सर्वम इदम यह सब विचिन्त्य सोचकर सिद्धार्थ
लोक यात्रा तह इस संसार की यात्रा से व्यरंजयत विरक्त हुए। सकृत निशिते ही तेन व्यवसितम यत सर्वमिदं प्रपंचम परित्यज्य जनन मरणयोः पारं द्रष्टुं स तपस्तप्स्यति साधनां विधास्यति जीवन रहस्यं बोद्धुं प्रयतिष्यते इति निष्क्रांतः सर्वे। सकृत एक बार निशिथे ही रात्रि में तेन उनके द्वारा व्यवसितम निश्चित किया यत कि सर्वमिदं प्रपंचम यह सब प्रपंच परित्यज छोड़ करके जनन मरण योह जन्म मरण के पारम पार दृष्टुम देखने के लिए सह वह तपह तप्स्यति तप करेगा साधनाम विधास्यति साधना का विधान करेगा जीवन रहस्यम जीवन के रहस्य को बोधुम जानने के लिए प्रयतिष्यते प्रयत्न करेगा। एक रात्रि में उनके द्वारा निश्चय किया गया कि यह सब प्रपंच छोड़ करके जन्म मरण के पार देखने के लिए वह तप तपेगा या तप करेगा साधना का विधान करेगा जीवन रहस्य को जानने के लिए प्रयत्न करेगा इति निष्क्रांतः सर्वे। इस प्रकार से सभी रंगमंच से बाहर निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। इस पाठ का अर्थ आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।